अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निगीज किचन। आज मैं आपके साथ अरवी की बहुत अच्छी और आसान तरकारी बनाना बता रही हूँ, तो चले आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं फ्लेम ऑफ ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून जो है ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप लोगों की मर्जी है, इसको आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने घर वालों के हिसाब से। मैं तो 3 से 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो ये 1 टीस्पून मैं इसमें ये मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। इसको खुशबू आने तक मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें हम गार्लिक पेस्ट डालेंगे। दाने को हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्की सी खुशबू आए तो फ्लेम को ऑफ कर देना है ताकि जले नहीं और इसकी वो जो टेस्ट है वो कड़वाहट में जो तब्दील ना हो जाए। तो अब मैं, यह खुशबू आ रही है, मैं फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ। इसमें 1 टेबलस्पून में गार्लिक पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं ये 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून टेबलस्पून साल्ट और 1 टेबलस्पून जो है ये चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप लोगों ने साल्ट को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है क्योंकि ये भुनी भुनी सब्जी बनेगी, तो इसमें अगर साल्ट बढ़ जाए तो कम नहीं हो सकता। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और मैं इसको भून रही हूँ। इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला जले नहीं। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल मसाले को जलने नहीं देना, तभी इस सब्जी का टेस्ट आएगा। बहुत स्लो स्लो इसको भूनना है हमने। ये 5 से 6 अगर मैंने टमाटर थे उनको पील करके काट लिया था, उसको इसमें शामिल कर रहे। ये टमाटर शामिल कर दिए हैं। इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला था ताकि ये मैं सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। एक 1/2 कप फेटा हुआ दही था, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसलिए कि हर एक को थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है तो उसके लिए मैंने इसमें शामिल किया। आप लोग अगर नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप लोग मत कीजिएगा, लेकिन ये इसकी ग्रेवी को जो है थोड़ा सा बढ़ा देगा। इसको अब हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और कर फिर इसमें अपनी जो है वेजिटेबल शामिल करेंगे। ये 1 kg अरवी है, इसको मैंने जूलियन कट में काटा था। मर्जी है, आप लोग गोल काट सकते हैं, मुझे ज़रा इस तरह अच्छी लगती है। और इस पोजिशन पर आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है, अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा के फिर सब्ज़ी को ऐड कीजिएगा। बहुत मज़े की अरवी की ये तरकारी या भुजिया सब्ज़ी जो भी आप लोग कहें बहुत अच्छी बनने वाली है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इंडिया में सब्ज़ी खाते हैं लोग, यहाँ भी हम लोग भी पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर्स हिंदुस्तान में मेरी वीडियोस देखते हैं, ये स्पेशल मैंने डिश उनके लिए बनाई है। तो इसमें ये मैं 1/2 कप पानी शामिल कर रही हूँ, उसके बाद मैं हल्की आंच पे इसको दम पे लगा दूंगी। इसको हम ढक देंगे ताकि ये गल जाए। हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। बेहतरीन, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, अरवी की ये सब्ज़ी है। और इसको अब हमने एंड में क्या करना है, एक टेबलस्पून कसूरी मेथी को इसके ऊपर ऐसे करना है स्प्रिंकल, इससे इसकी और खुशबू आ जाएगी। पहले हमने इसे बेस में मेथी दाना डाला था, अब ये कसूरी मेथी को इसके ऊपर डालकर डिश आउट करेंगे। रहमान रहीम, मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
ये हमारी अरवी की तरकारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे पूरियों के साथ, चपाती के साथ आप लोग खुश फरमाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।